से एजुकेशन हब 500। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी है, रिजल्ट क्लियर। आप वहां से क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंडिंग में तो आप वो पूछ सकते हैं। अब आज स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखिए, व्हाट इज मैटर, हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी सब्सटेंस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज नोन एज मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी हमने डिस्कस किया था। मैटर कैसे अपना स्टेट चेंज करती है, ई ऑपरेशन, मेल्टिंग प्वाइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, बहुत कुछ हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। अब देखिए, चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल। एक आउटलाइन मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या डिस्कस करना है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैटर के बारे में इन चैप्टर नंबर 1। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे, देखिए इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है वो सब प्योर है। ओके, तो चलिए इसमें इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि मैटर को जनरली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। ओके, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डिटेल्ड स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्योर सब्सटेंसेस विच आर कंसिस्ट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ओके, जो सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। ओके, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या हो गए, विच आर कंसिस्ट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ पार्टिकल्स या नॉन सिमिलर भी कह सकते हैं आप, अंडरस्टैंड। ओके, प्योर सब्सटेंसेस को हमने अगेन डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं, डेफिनेट होते हैं, बट इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, दे कंबाइन इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ओके, यानी एलिमेंट्स में तो क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके अलावा सोडियम, ओके, इसके अलावा नाइट्रोजन, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन में सिर्फ हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, तो इस तरह से इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। जबकि कंपाउंड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द HCl, तो इसके अंदर होता क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनको 1:1 के फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर दिया गया है। तो ये भी प्योर सब्सटेंसेस की ही फॉर्म है कंपाउंड्स। इसमें क्या क्या, इन्होंने इसको 1:1 के रेशियो में कंबाइन कर दिया। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को 1:1:3 के रेशियो में कंबाइन कर दिया गया है। ये फिक्स्ड एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड या डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब होता है, अगर आप इनका प्रोपोर्शन चेंज कर दे तो, अगर आप 2:2:7 कर दे तो या कोई और रेशियो, तो यहाँ पे ये सब्सटेंस बनने के बजाय कुछ और सब्सटेंस बन जाएगा। ओके, उसके बाद एलिमेंट को हम लेटर ऑन क्लासिफाइड करेंगे 3 मेन पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट है मेटल्स, सेकेंड है नॉन मेटल्स और थर्ड है मेटेलॉइड्स। ओके, मेटल्स के बारे में आपने 4th क्लास में पढ़ रखा है कि मेटल की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैविंग शाइनी अपीयरेंस। ओके, दे आर लस्टरस, लस्टरस मतलब वही है शाइनी अपीयरेंस। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, दे आर सोनोरस, सोनोरस मीन्स क्या कह सकते हैं, दे आर रिलीजिंग और क्रिएटिंग वाइब्रेटिंग साउंड्स। अंडरस्टैंड, तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है। उसके बाद आपने देखा था मैलेबल, उसके बाद आपने देखा था डक्टाइल। मैलेबल क्या है, आप उसको इजीली जो थिन सीड्स है उसमें चेंज कर सकते हैं। डक्टाइल मीन्स क्या होता है, आप उससे वायर बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज, जो पार्टिकल्स ये प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स, और जो पार्टिकल्स ये प्रॉपर्टीज नहीं रखते उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। यानी नॉन मेटल्स की जो अपीयरेंस है वो शाइनी नहीं होगी, कैसी होगी, डल होगी। ओके, वो हीट के बैड कनेक्टर होंगे या पोर कनेक्टर होंगे। दे आर नॉट सोनोरस, रिंगिंग साउंड नहीं होगी उनकी। दे आर नॉट मैलेबल, अगर आप उनको थिन सीड्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, उनसे वायर भी नहीं बन सकते, वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, मेटल की एग्जाम्पल्स आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम है। ओके, क्या क्या है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। अंडरस्टैंड, तो ये सारे मेटल्स की एग्जाम्पल है। नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो सल्फर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अंडरस्टैंड,
आर द नॉन मेटल्स। अब बात आती है मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, विच हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिनमें मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती है। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, इनकी बात करें, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, तो ये कुछ क्या होते हैं, बोरोन है, अंडरस्टैंड, ये क्या है, मेटलॉइड्स है। तो ये तो था प्योर सब्सटेंसेस का एक क्लासिफिकेशन जो हम इस चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। और यहाँ पे है इम्प्योर सब्सटेंसेस, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स किसमें आते हैं, इम्प्योर में, क्यों, क्योंकि वो वेरियस काइंड ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं विच डू नॉट हैविंग डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिनका कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता है। ठीक है, ये मिक्सचर्स को फिर लेटर ऑन हम डिवाइड करते हैं होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। आप देखिए इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, साल्ट इन वॉटर दैट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ओके, एंड सैंड इन वॉटर दैट इज ए हेटरोजीनियस मिक्सचर, ओके। तो ओवरऑल चैप्टर नंबर 2 में हमें इन सब के बारे में डिस्कस करना है। आई होप द आउटलाइन शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू, ओके।